हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल लॉन्ग टर्म शेयर सेल्टियस में। आज हम एक बेहतरीन कंपनी चुनने वाले हैं और उसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे कि किस प्रकार का वो स्टॉक है, भविष्य में क्या वो मल्टीबैगर बन सकता है। और सबसे बड़ी जो विशेषता है कि कंपनी तो काफ़ी पुरानी है, परंतु जो उसकी लिस्टिंग हुई है 2019 में हुई है, तो वन बाई वन करके हम उस पर डिटेल्स पर चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है, दोस्तों आज हम बात करेंगे फाईपैसा.com के डबल धमाका ऑफर के बारे में। 5 मिनट में आप इंस्टेंट जो है ऑनलाइन ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वन टाइम फी पे करके डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों खुलवा सकते हैं। और अकाउंट खुलते ही आपको 500 रुपए आपके अकाउंट में मिलेंगे, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। फाईपैसा के ऑल इन वन अकाउंट से आप जो है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई बना सकते हैं, चाहे आपको ट्रेडिंग करनी हो, चाहे आप फिर लंबे समय के लिए शेयर खरीदना चाहते हो, आईपीओ में निवेश करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड्स में या डिजिटल गोल्ड फिर करेंसी में डेरिवेटिव्स और ट्रेडिंग करना हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद फाईपैसा ऑल इन वन अकाउंट। यहाँ पे दोस्तों फाईपैसा में 0 ब्रोकरेज है, यानी कि 20 रुपए फ्लैट फी है, चाहे आप 10,000 रुपए का निवेश कीजिए, चाहे 10 लाख का कीजिए। नो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, यानी किसी प्रकार की एएमसी नहीं है, बजाय आपको महीने के 45 रुपए पे करने हैं, अगर जिस महीने आपने ट्रेड नहीं किया उस महीने का बिल्कुल भी नहीं पे करना। ये तो बात रही फाईपैसा के ऑल इन वन अकाउंट की, लेकिन आइए बात करते हैं डबल धमाका ऑफर के बारे में। इसमें जैसे ही आपका डीमैट अकाउंट ओपन होता है, आपको 500 रुपए मिलेंगे शगुन के तौर पर, चाहे आप निवेश कीजिए चाहे ट्रेड कीजिए। देखिए यहाँ पे जो है फाईपैसा के पावर इन्वेस्टर पैक के बारे में बात करते हैं, जिससे मिलेगा आपको उसके रिसर्च टूल्स का अनलिमिटेड एक्सेस, जो आपको प्रोवाइड करेंगे डेली स्टॉक आइडियाज और करेंगे आपकी हेल्प शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। साथ ही आपको मिलेगा 50% रिडक्शन ब्रोकरेज में, 20 से सीधा 10। सारे फायदे आपको मिलेंगे 499 रुपए के पर मंथ पे। आपको मिलेगा 3 इंपॉर्टेंट टूल्स का अनलिमिटेड एक्सेस और स्विंग ट्रेडिंग से लीजिए इंट्राडे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशंस, हॉट स्टॉक्स और मार्केट अपडेट। स्मार्ट इन्वेस्टर की मदद से चुनिए सही निवेश, शानदार रिटर्न पाने वाले शेयर्स चुनिए। पोर्टफोलियो एनालाइजर आपके पोर्टफोलियो का रखेगा पूरा ख्याल, यानी कि सही गाइडेंस से बनेगा आपका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाएंगे आपका ऑनलाइन ही जो है KYC वगैरह होने के पश्चात आपका फटाफट डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। देखिए पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड 1013 रुपए की प्राइस पे आज ट्रेड हो रहा है, करीब 1 बज चुके हैं। आज तारीख है 8 दिसंबर 2020 और देखिए साल का लो गया था 570 रुपए और हाई गया था 1182 और हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम 1 साल के रिटर्न देखते हैं, देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, 1.91% यानी 2% के आसपास दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिन्होंने 6 महीने पहले निवेश किया इस कंपनी में, उसको करीब 26.5% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल 2019 को इसकी लिस्टिंग हुई थी। अगर वैल्यूएशन वाइज देखें, जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 19 का है, जो इसका अर्निंग पर शेयर निकल के आ रहा है 51 रुपए का, इसकी जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो है 3.58, यानी कि जो स्टॉक प्राइस है और जो बुक वैल्यू से कहीं ना कहीं 3.5-3.5 गुना के आसपास ट्रेड कर रहा है। डिलीवरी इसकी देखते हैं तो 50% से ज़्यादा की, जो कि एक शानदार दिखाई देता है। 15,194 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है और 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से इसकी फेस वैल्यू है, ये याद रखिएगा। पॉलीकैब इंडिया के अगर कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोग हो सकता कि परिचित ना हो, तो मैं बता दूं कि इनका जो बिजनेस टू कस्टमर्स भी है, मतलब कि आप किसी भी आप शॉप में चले जाइए इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वो सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप के अलावा भी और भी शोरूम से वहाँ सारे मिल सकते हैं। जैसे लाइटिंग एंड लाइटनिंग, अगर आप प्रोडक्ट्स की रेंज देखें तो बहुत लंबी फेहरिस्त है। यहाँ पे आपको केबल्स एंड वायर्स, फाइन लाइटनिंग के प्रोडक्ट्स हैं और स्विचेस, स्विच गियर्स, सोलर प्रोडक्ट्स हैं, इस प्रकार के जो है छोटे छोटे जो आपके घर में एक्सेसरीज इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण लगते हैं, पंप्स हो गए, अप्लायंसेस में सारे चीज़ें आ जाती, अप्लायंसेस हो गए, तो इस तरीके से आप इनके जो है इंडस्ट्रियल में भी इस्तेमाल होते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी इनके वायर्स एंड केबल इस्तेमाल होते हैं, और प्लस घरेलू कार्यों में भी इनके प्रोडक्ट्स की मांग हमेशा रहती है, चाहे स्विचेस हों चाहे बोर्ड्स हों। देखिए इनका 18% मार्केट शेयर है और 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, 40 कंट्रीज़ में करीब ये एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स, और जो इनके ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो एक्सपेंडिंग भी हो रहे हैं और करीब 3450 हैं, और रिटेल एंड कनेक्टिंग अस टू कंज्यूमर्स जो 125,000 हैं, कंज्यूमर से डायरेक्ट जो है कनेक्ट हो रहे हैं। तो पॉलीकैब इंडिया के हो सकता है कि आप भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो, तो बहुत बेहतरीन जानी मानी पहचानी कंपनी है। हाँ, 1.5 साल के आसपास इसको लिस्टिंग हुए हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाया है, क्योंकि इसका इशू प्राइस ही आया था करीब 550 के आसपास, और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अभी रिटर्न नहीं दिखाई दे रहा। मान लीजिए 2014 से अगर हम देखें सेल्स वगैरह किस प्रकार की रही, देखिए सेल्स में अगर फाइनेंशियल ईयर 2014 में देखते हैं तो 3,986 करोड़ की थी, जो कि करीब 8,830 करोड़ हो गई फाइनेंशियल ईयर 2020 में,
और इस प्रकार से अगर नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 89.90 करोड़ का हुआ करता 2014 के फाइनेंशियल ईयर में, और जो कि सीधे जो है 6 साल बाद अगर हम देखें तो 750 के आसपास जो है 750 करोड़ के आसपास यहाँ पे जो है इनका शुद्ध मुनाफा निकल कर आ रहा है। तो आप देखिए अगर नेट प्रॉफिट देखते हैं तो कंसिस्टेंट यहाँ पे भी ग्रोथ है, प्रतिवर्ष जो है लगातार ऊपर की ओर दिख। अगर मान लीजिए इनके पास जो रिजर्व्स हैं 4,065 करोड़ के आसपास हैं और जो बोरोविंग्स के नाम पे इनके पास 213 करोड़ है, यानी कि एक तरीके की जो है डेट फ्री कंपनी है, इनमें कर्जा नहीं है। यहाँ पे देखिए हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स देख रहे हैं। कंसोलिडेटेड मतलब जितनी भी इनकी सब्सिडरीज हैं या जहाँ जहाँ से इनको पैसा आता है, तो जो टोटल इनकम थी पिछले वर्ष के क्वार्टर सितंबर 2019 में 2254 करोड़ की, मामूली सी घट के हो गई है 2146 करोड़ की इस वर्ष के क्वार्टर में। क्वार्टर वन सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा क्योंकि अप्रैल मई जून जो ये तीन का क्वार्टर था वो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी इस पर दुष्प्रभाव पड़े, कोई प्रोडक्ट्स वगैरह बिक नहीं पाया। और इस तरीके से देखा जाए जो मुनाफा निकल के आया जो पिछले वर्ष के क्वार्टर में था 195 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 118 करोड़ का, और देखा जाए तो इस बार के क्वार्टर में हो गया 221 करोड़ का, यानी कि पिछले वर्ष के क्वार्टर के मुकाबले या पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज़बरदस्त आया है। अब अगर हम महत्वपूर्ण चीज़ देखें, मान लीजिए शेयर होल्डिंग हो गई, तो प्रमोटर्स के पास 68.53% की शेयर होल्डिंग है और कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। अगर देखा जाए तो FIIs भी लगातार इसमें इंक्रीज़ हो रहे हैं प्रत्येक क्वार्टर में। मुझे लगता है दिसंबर के जो क्वार्टर्स आने वाले हैं उसमें और भी ज़बरदस्त बढ़त देखी जा सकती है। और इसमें अगर म्यूचुअल फंड्स भी हैं इसमें और DIIs भी हैं और रिटेल हम आप जैसे लोग भी हैं। इस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ निकल के आ रहा है 5 वर्षों का 36% के आसपास निकल के आ रहा है और 3 वर्षों का 48%, और लास्ट ईयर का ट्रेलिंग 12 मंथ का आ रहा है 16% के आसपास। और स्टॉक प्राइस CAGR इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि अभी ये लिस्टेड कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखते हैं लास्ट ईयर की जो है 23% है, अगर 5 वर्षों को देखते हैं 17% है, और 3 वर्षों की 20%, जो कि अच्छी लग रही है। कोली कैब इंडिया को अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं, देखिए कंपनियां तो और भी हैं जैसे कि KEI हो गई या फिर जो हैवल्स हो गई या फिर और भी कुछ अन्य कंपनियां हैं जो अलग अलग तरीके के सिमिलर कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स में सम्मिलित हैं, बट कहीं ना कहीं प्रत्येक कंपनी की अपनी एक खूबी होती है और किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में उसको महारत होती है मार्केट शेयर में। अब ये जैसे कंपनी है पॉली कैब इंडिया, इसमें अगर हम पोटेंशियल के तौर पे देखें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा अभी ये भागा नहीं है क्योंकि इसका इशू प्राइस ही आया था 550 के आसपास, और आज का जो प्राइस चल रहा है करीब 1000 के आसपास, मान लीजिए 1000 के आसपास चल रहा है। 1.5 वर्षों में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं भाग पाया क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई थी। लेकिन अगर इसके हम बिज़नेस को देखते हैं, प्रमोटर वाइज अच्छी कंपनी है, अच्छी होल्डिंग है। अगर इसके व्यवसाय को देखते हैं तो व्यवसाय के तौर पे आपको भी और हमको भी पता है कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी हमेशा अनवरत मांग रहेगी। सिर्फ घरेलू नहीं, मान लीजिए कोई टाउनशिप बन रही है, मान लीजिए कोई इंडस्ट्रीज़ खड़ी हो रही है, प्लस जो इनके छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, मान लीजिए फैंस हो गए, स्विच बोर्ड्स हो गए, ये हमेशा बनते रहेंगे। अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस प्रकार का काम चल रहा है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफ़ी भयंकर डिमांड रहेगी और ये एक मल्टीबैगर साबित होगा। जिस प्रकार से इनका सेल्स और रिटर्न ऑन इक्विटी या कैपिटल एम्प्लॉयड ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, और ना ही कंपनी में कर्जा है, शेयर होल्डिंग अच्छी है, और वैल्यूएशन वाइज देखा जाए अन्य कंपनियों के मुकाबले में अभी सस्ते प्राइस पे मिल रहा है, तो जो लोग इसमें निवेश करना चाहें उनको इस तरीके का रवैया अपनाना चाहिए कि बहुत ज़्यादा एक साथ पैसा ना डालें। अगर आपको लगता है कि इस इंडस्ट्रीज़ में भी निवेश किया जा सकता है, हो सकता है कि इसमें आपको भविष्य में बहुत अच्छा मुनाफा बन के मिल जाए, ऐसी संभावना लग रही है क्योंकि कंपनी में बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत जान है, और कंपनी के बिज़नेस से आप परिचित हैं। मतलब ये मेरे कहने से बिज़नेस से आप वाकिफ नहीं हैं, आप ऑलरेडी हो सकता है कि इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हों, आपके आसपास के इलेक्ट्रॉनिक की शॉप्स में इनके प्रोडक्ट्स मिलते हों। तो इस वजह से भी बहुत सारी कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जिन पे अच्छा निवेश करने के बाद हमें अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। बिज़नेस इनका सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि बिज़नेस कैसा है। तो कंपनी का व्यवसाय बहुत ही सॉलिड है और देखा जाए कर्जा नहीं है, प्रमोटर्स अच्छे हैं, बहुत पुरानी कंपनी है और शेयर होल्डिंग भी अच्छी है। अगर देखें रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर जो पी प्राइस टू बुक रेशियो, ये सारी चीज़ें अपने पैरामीटर्स में ठीक ठाक लग रही हैं। तो मेन फोकस हमारा रिटर्न पे है, 6 महीने में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं जिन्होंने निवेश किया है। अब जो है हो सकता है कि अपने प्राइस वापस प्राइस पे आया क्योंकि लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई थी। अगर दिसंबर के क्वार्टर के रिजल्ट्स और अच्छे आते हैं तो कंपनी संभवतः भाग सकती है। ओवरऑल मार्केट पे भी डिपेंड है क्योंकि मार्केट अभी काफ़ी हाई पे हाई बना रही है और मुझे लगता है एक टाइम के बाद स्टेबल हो जानी चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका है
कभी भी पूरी पूंजी ना डालें इस शेयर मार्केट में, कुछ भी खबरें आ सकती हैं। तो आप अगर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इस कंपनी में निवेश करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे बजाय प्रॉफिट के, और आपके पास अच्छी खासी क्वांटिटी भी हो जाएगी। तो हमेशा संयम बरतते हुए इसमें जो है आप SIP के मोड़ पे या जो भी आप एक बजट डिसाइड करें कि मुझे इस सेक्टर या इस कंपनी में डालना, आप उसका जो है 10वां भाग करके हर प्रत्येक माह लेते रहें और अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, वो भी आप अपने रिसर्च अपने अध्ययन के माध्यम से। तो बस जस्ट एक कंपनी के बारे में आपसे चर्चा की है, इसमें थोड़ी आप भी रिसर्च कीजिए। बाकी ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें कोई बुराई नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मल्टीबैगर हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।